बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, सीमेंट और ये पत्थरों से बना हुआ बड़ा स्ट्रक्चर। ये है कावेरी नदी का प्रसिद्ध डैम है, ठीक है। इसके पीछे जो डैम है, एक रिजर्वायर है, उसको हम कृष्णराज सागर डैम के नाम से जानते हैं। और इसके ठीक नीचे जो हम देख रहे हैं, ये पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, यही है वृंदावन गार्डन। वृंदावन गार्डन ये मैसूर का प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन है, जो कि डैम के ठीक नीचे का भाग है। और यहाँ जो इतने सारे ढेर सारे पौधे जो नज़र आ रहे हैं और पानी सींचा जा रहा है, इतने सारे फव्वारे जो नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगा हुआ है। ये सारे के सारे जो हैं वो डैम का पानी जो है, चूँकि उसका लेवल काफ़ी ऊपर है, तो पानी का स्तर ऊपर है और ये फव्वारे का जो पाइप है वो नीचे है, तो स्वाभाविक है कि उसमें पानी से फव्वारा निकलेगा ही। तो उसी तरह से फव्वारा ये निकल रहा है। और ये जो हमारे पीछे जो होटल नज़र आ रहा है, ये है रॉयल ऑर्किड। ये रॉयल ऑर्किड है। और इसके बाद इस तरफ एक और होटल है, होटल मयूरा कावेरी। यहाँ गाड़ियाँ लगी हुई है। और इन होटलों का जो है बुकिंग हम लोग ऑनलाइन तो कर ही सकते हैं, कर ही रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है विशेष। होटल लेकिन शानदार है, अच्छा है। और बहुत सारे फाउंटेन है भाई यहाँ। और शाम का मौसम है, बच्चे दिन भर के थकान से चूर हैं, पूरा थक गए हैं घूमते पूरा मैसूर घूमे हैं, लेकिन फिर भी चेहरे पर हंसी है, खुशी तो नजर आ रही है। हाँ, खुश है बच्चे। और आज ये हम लोगों के यात्रा का अंतिम दिन है और आज रात में हम लोग अपने अपने होटलों में टिकेंगे। अब बॉयज़ का चूँकि अलग होटल है और गर्ल्स का अलग है, तो फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से कल सुबह जैसा हम लोग को टाइमिंग बताया जाएगा उसके अनुसार हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे स्टेशन के लिए। सर मैसूर सिटी स्टेशन जंक्शन जो है वहाँ हम लोग पहुँच जाएंगे और वहाँ से हम लोग जो है वो। और ये छोटू तो आप नहीं रुक, इतना सारा फोटो खींचा है जिसको फाइन लगाया जाए, बहुत फोटो खींचा है, इसका मेमोरी फुल है। हाँ, और प्रॉमिस कर रहा है कि सबको ठंडा पिलाए, नहीं कोई जरूरत नहीं आपको ठंडा पिलाने का, गरम पिलाने। हाँ, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हॉस्टल में आप ग्रुप के सबसे छोटे हैं इसलिए सबके लाडले बने हुए हैं, है ना। और अच्छा से चलिए घर तक पहुँच जाइए बढ़िया से, ठीक है ना जी। हाँ, घर बढ़िया से चलिए, चलना है, कोई ऐसी वैसी गलती नहीं करनी है कि थोड़ा कहीं चोट चपेट ये सब नहीं होना चाहिए, है ना जी। हाँ बस। और ये चश्मा कितना में खरीदा? 50 रुपए। 50 रुपए में। और ये क्या है हाथ में? सेल्फी स्टिक। अच्छा, चल रही है। ये कितने का है? 100। तो कुल कितने खर्च हुए? 150। कुछ पैसे बचे भी अब तक या सब खत्म हो गए? सब खत्म हो गए। तो चाय तो चाईबासा से आगे जाने का खर्च भी के लिए भी कुछ पैसा नहीं बचाए हैं? अच्छा ठीक है। चलो भाई। हाँ चलिए चलिए। तो क्या है, तो नहीं आप लोगों को बोलना चाहिए कुछ ना कुछ, आप लोग अपना अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए, कैसा लग रहा है, क्या है। और कैसा लग रहा है आपको? तो तीन दिन का हम लोग का जो था यहाँ पे मैसूर और बैंगलोर का जो ट्रिप था वो कैसा लगा आपको? ठीक लगा सर, बहुत ठीक लगा। आज जो आप जिस महल में गए थे, है ना, दिन में आप जिस महल में गए थे वो एक बहुत प्रसिद्ध राजवंश है, वोडिया राजवंश, उन्हीं का वो महल था, है ना। और राजवंश के कुछ लोग अभी भी हैं, है ना। और वहाँ हम लोगों ने जो कुछ देखा उसको तो हम लोग फिल्माए ही हैं, बहुत अच्छी तरह से फिल्माए हैं, वहाँ फोटोग्राफी भी हम लोग किए हैं, है ना। और मुझे लगता है कि ये पूरी ट्रिप आप लोगों के लिए चिरस्मरणीय होगी और आप लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे अपने जीवन में, है ना। और जीवन में कुछ ऐसा काम कीजिए, अच्छा काम कीजिए। देखिए बैंगलोर जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए तो ये प्रसिद्ध है, है ना, बहुत सारे लड़के लड़कियां आते हैं यहाँ पे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं, फिर यहीं पे जॉब भी करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए और पढ़ाई करने के बाद फिर आप लोग आइए ऐसे शहरों में, आप लोग भी
अपने झारखंड की उपस्थिति दर्ज कराइए, दिखाइए कि हाँ हम लोगों में भी कुछ दमखम है ना जी सर। तो बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ है ना इस फील्ड ट्रिप जो है मुख्यमंत्री शैक्षणिक भ्रमण 2019 का ये जो चौथा पार्ट था है ना जी सर, तो उसकी लगभग अब समाप्ति हो गई है जी। है ना, डेस्टिनेशन की समाप्ति तो हो गई है लेकिन यात्रा की समाप्ति अभी नहीं हो गई है। यात्रा तो जब तक हम लोग हटिया रांची नहीं पहुंच जाते हैं और फिर अपने अपने घरों तक नहीं पहुंच जाते हैं है ना, तो तब तक तो नहीं पूरा होगा है ना। तो आप जाएंगे डंगवा पोसी, तो ये अपने जितने भी टीचर हैं बच्चे हैं सबको अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे जी सर है ना, और निश्चित रूप से आपको आगे की पढ़ाई में भी ये जो शैक्षिक भ्रमण जो हुआ इसका आपको लाभ मिलेगा और आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर होगा, आपको किसी भी काम में झिझक नहीं होगा, कहीं दूर स्थान की यात्रा भी करेंगे तो आप आसानी से करेंगे सर है ना। ठीक है फिर जी सर।